Now, the year 2022 has been overshadowed specifically in terms of international relations. It has been overshadowed by the Russia Ukraine war. Nevertheless, there are many other geopolitical developments happening across the world which demands due attention for India. And being UPSC aspirants, we need to know and we need to understand these geopolitical developments happening across the world.

लेकिन आज मैं ये टॉपिक आपके साथ एम्पोसाइज करना चाहता हूँ बिकॉज लैटिन अमेरिका की बात करें ब्राजील की बात करें ब्राजील में देर हैज़ बिन अ चेंज ऑफ गार्ट एंड इन ब्राजील दिस मैन यून यू आर सींग ऑन स्क्रीन लूला सिल्वा ही इज बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ ब्राजील नाउ ये इनका सेकेंड प्रेजिडेंशियल टर्म है ऑल दो ये तीसरी बार प्रेजिडेंट बन रहे हैं बट दिस इज द सेकेंड प्रेजिडेंशियल टर्म हिज फर्स्ट प्रेजिडेंशियल टर्म वॉज बिटवीन टू थाउजेंड थ्री टू टू थाउजेंड टेन एंड दिस इज द सेकंड प्रेजिडेंशियल टर्म दिस कम्स एट अ वेरी इंटरेस्टिंग एन अ पिक्यूलर टाइम एंड वाई इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया हमारा फुटप्रिंट लाटिन अमेरिका में कैस है क्या हमारा फुटप्रिंट लाटिन अमेरिका में बढ़ रहा है क्या हमारी फॉरिन पॉलिसी लैटिन अमेरिका के टूवर्ड ज्यादा एंगेजिंग है आर वी टेकिंग दिस रीजन वेरी सीरियसली एंड विद लूला डिसवा कमिंग हाउ विल इंडिया ब्राजील रिलेशन चेंज लेट्स नॉट फोरगेट इंडिया ब्राजील वट डू द शेयर वट इज द कॉमन थिंग बिटवीन बोथ ऑफ बोथ आर डेवलपिंग कंट्रीज बोथ आर पार्ट ऑफ ब्रिक्स Both are part of IPSA and both are part of the G four. G four was established when? Back in two thousand five. Who was the president of Brazil at that time? This man, Lula de Silva. G four, which obviously calls for UNSC reforms, UN reforms, तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं दोस्तों चाहे वो डब्ल्यू रिलेटेड हो चाहे वो यू रिलेटेड हो यू रिलेटेड हो आज हम पैंडेमिक्स की बात करें क्लाइमेट चेंज की बात करें जहां पर इंडिया और ब्राजील की जो सिनर्जी है जो एंगेजमेंट है बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली मैटर करने वाली है तो दोस्तों ये चर्चा हम शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले आपके साथ एक एडवर्टीजमेंट मैं शेयर करना चाहता हूं वो ये है दोस्तों प्रीलिम्स को कुछ ही टाइम रह चुका है और प्रीलिम्स Uh, की टेस्ट सीरीज की हम बात करें या प्रिलिम्स के मेंटरशिप कोर्स की हम बात करें वो हमारे पास है आप चाहें तो उसको अवेल कर सकते हैं नाउ प्रिलिम्स का मेंटरशिप कोर्स आपको हेल्प करेगा एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए फॉर प्रिलिम्स नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन और अक्सर इस प्रीलिम्स की स्टेज में ही हम सब को बहुत डर भी लगता है बहुत फेयर होता है कि प्रिलम्स क्लियर नहीं हुआ तो बेशक हमारी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जितनी मर्जी अच्छी हो लेकिन हम आगे मेंस नहीं दे पाएंगे तो ये सारे फेयर्स को ओवरकम करने के लिए हमने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक मेंटरशिप प्रोग्राम अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज़ शुरू करा है तो आप इसको अवेल कर सकते हैं अभी इस पर थर्टी थ्री परसेंट ऑफ भी चल रहा है यदि आप इसको अवेल नहीं करना चाहते हैं सिर्फ सिर्फ टेस्ट सीरीज को ही अवेल करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं प्रिलम्स की टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी पी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जिसमें थर्टी कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट रहेंगे अगेन दिस हाज अ डिस्काउंट कोड प्रिलम्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एंड आई ऑलवेज से दैट द ओनली वे द ओनली श्योर शॉर्ट वे दैट यू कैन ओवरकम योर फेयर इज़ बाय प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चन तो ये कोशिश हमारी तरफ से है आप चाहें तो उसका हिस्सा बन सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव अहेड सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ लैटिन अमेरिका फॉर इंडिया नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू व्यू लैटिन अमेरिका एज अ रीजन जहां पे हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के जरिए यूजिंग आर फॉरेन पॉलिसी एज अ कैटलिस्ट हम अपनी इकोनॉमिक एंगेजमेंट लैटिन अमेरिका के साथ बढ़ा सकते हैं डेवलपिंग की जब बात आती है डेवलपिंग देशों की बात आती है ग्लोबल साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात आती है तो लैटिन अमेरिका इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर अस रीजन जहां पे कमर्स जहां पे इकोनॉमी, जहां पे बिजनेस इज ड्राइविंग द रिलेशन एंड बेनिफिटिंग बोथ इंडिया एंड लैटिन अमेरिका बिकॉज वट इज कॉमन बिटवीन इंडिया एंड लैटिन अमेरिका दैट बोथ आर मेंबर्स ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज दे हैव सिमिलर इशूज क्या आपको ये बात पता है अभी इक्कीसवीं सदी के जो बाईस साल अभी तक निकले हैं और सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी लैटिन अमेरिकन रीजन जो है इसको मैनेज किया गया है बाय नॉट इवन द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बट बाय द इंडियाज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो कि एक डेप्य फॉरन मिनिस्टर के इक्वलेंट होता है लास्ट टाइम वैसे आपको बताना चाहता हूं कि अभी रिसेंटली सितंबर 2022 में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी उन्होंने विजिट किया था लाटिन अमेरिका में एंड विजिटेड अर्जेंटीना मैक्सिको ब्राज़ील लेकिन इससे पहले द वेरी लास्ट टाइम मैंने इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर विजिटेड ऑन बाई लिटल विजिट ऐसे तो ब्राज़ील जाना मल्टीलिटल मीटिंग्स के लिए तो काफ़ी चलता रहता है

यू नो द मोस्ट प्राइमारली ड्राइविंग फोर्स फॉर आर फॉरन पॉलिसी विच इज़ द नेबरहुड विच इज़ गुड विच इज फेर नाफ देन कम्स द सेकेंड कंसेंट्रिक सर्कल और सेकेंड कंसेंट्रिक सर्कल में आपके एशिया की जो बाकी कंट्रीज हैं रशिया हो गया बाकी कंट्रीज हो गया और जो बाकी स्ट्रेटिजिक पार्टनर्स हैं यहाँ पर आपका एशियान आ गया यूरोप आ गया एंड देन लास्ट प्रायरिटी जो लास्ट कंसेंट्रेशन सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल है दैट इज़ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट यू नो साउथ पैसेफिक आलियन कंट्रीज हो साउथ अमेरिका हो यू नो ऑल दीज कंट्रीज ये हमारी फॉरन पॉलिसी के लिए इतनी प्रायोरिटी नहीं है हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए प्रायोरिटी नहीं है लेकिन ये हम बाद में देखेंगे नाउ दिस दिस हैज विद विजिट 2022 की जो विजिट थी बाय आर मिनिस्टर दिस हैज आउटलुक टुवर्ड्स लैटिन अमेरिका एंड नाउ लैटिन अमेरिका इज वेरी मच विद इन द सेकंड कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू अभी जी की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आने वाली है दिसंबर में हु हैज द नेक्स्ट जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी अगली जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी ब्राजील के पास है नाउ बेटर लेट देन नेवर अब ये जो तीनों लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं पार्ट ऑफ द जी ट्वेंटी अर्जेंटीना मेक्सिको, ब्राजील ठीक है नाउ दे हैव बिकम अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सेकंड कंसेंट्रिक सर्कल राइट right? एंड जो हमारे रिसेंटली जो विजिट रहा था हमारे विदेश मंत्री का एस शंकर जी का वो अर्जेंटीना ब्राज़ील और पैराग्वे गए थे नाउ दिस ऑब्वियसली वाज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द लैटिन अमेरिकन रीजन बहुत सारे जो लोग हैं जो मीडिया है इन कंट्रीज़ का उनका ये कहना था दैट बहुत लंबे अरसे से कोई चांसलर यानी कि स्पेनिश इक्वलिन फॉर अ फॉरन मिनिस्टर वो यहाँ पर विजिट करने नहीं आए सो दैट वॉज मेट विद अ लॉट ऑफ फैन फेयर इनफैक्ट हमारी जो आईटी कंपनीज़ हैं प्राइवेट आईटी कंपनीज़ की बात करें एच की बात करें सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ लोगों को एम्प्लॉय हमारे बहुत सारी आईटी कंपनीज़ के जो ऑफिसज हैं साउथ अमेरिका में अगर हम एच की भी बात करें और वहां पे सिग्निफिकेंट लोगों को एम्प्लॉय भी किया जा रहा है ठीक है सो यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द लाटन अमेरिकन रीजन नाउ बेटर लेट दैन नेर नाउ ऑब्वियसली दिस विजिट बाय जयशंकर दिस विल डेफिनेटली

ट्रेड की बात करें विद अ लैटिन अमेरिकन कंट्री विद लैटिन अमेरिकन रीजन नाउ अब अगर हम यहाँ पे ब्राज़ील का ही देखें तो 25 प्रतिशत जो ट्रेड है लैटिन अमेरिका में हमारा ब्राज़ील के साथ ही होता है देन वेरी इंपॉर्टेंट वेनेजोला बहुत सारा ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं वेनेजोला से नाउ दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर कि वेनेजोला में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है दैट इज अनदर थिंग राइट दैट इज अनदर थिंग कि अमेरिका और वेनेजोला के बीच में छत्तीस का आंकड़ा है बट लुक एट द फिगर्स नाइनटीन ऑफ द ट्रेड इज हैपनिंग विद वेनेजोला राइट एंड सिमिलरली विद द अदर कंट्रीज एज वेल सो क्योंकि स्पेसिफिकली हम ब्राजील की बात कर रहे हैं इस वीडियो में हम लूला डिसवा जी की बात कर रहे हैं तो ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ट्रेड इज हैपनिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील विच इज वाई दिस डेवलपमेंट हैपनिंग इन ब्राजील दिस चेंज ऑफ गार्ड हैपनिंग इन ब्राजील इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फॉर इंडिया एज वेल एंड वी हैव वेलकम दिस मूव बिकॉज शालवी से अंडर जयर बॉट्सोनारो जो बॉट्सोनारो जो भी पहले प्रेसिडेंट थे ब्राज़ील के उनके चलते इंडिया ब्राजील के जो रिश्ते हैं काफी स्टेगनेट हो चुके थे राइट नाउ मैन ऑफ द वोमेंट लेट्स टॉक अबाउट लूला डिस

2003 से लेकर 2010 के बीच में ये वही समय है दोस्तों 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जब इन्होंने ब्राज़ील की इकॉनमी को स्टीयर किया था तब उस वक्त हु वॉज आ दी हेल्प द गाड दिस पर्सन लूला डिसल्वा वॉज द मैन इन चार्ज सो बिकॉज ऑफ हिज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स because of his economic reforms and progressive policies and welfare policies more than 2 करोड़ पीपल वर लिफ्टेड आउट ऑफ एक्सट्रीम पावर्टी ना आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा पिंक टाइट आपने अगर आप इसको फॉलो करते हैं पिंक टाइट मीन्स द टर्न टू द टर्न टू द लेफ्ट ना ये पिंक टाइट मतलब एक पोलिटिकल वेव और परसेप्शन अगर हमने बात करें दो हज़ार इक्कीस में चिले में भी हमने देखा है कि एक लेफ्टिस्ट पार्टी का वहाँ पर स्टैब्लिशमेंट हुई थी तो अगर हम ब्राजील की बात करें यानी कि पोलिटिकल वेव एंड परसेप्शन ऑफ टर्न टू योर लेफ्ट विंग गवर्नमेंट्स ठीक है यानी कि भाई ठीक है अब हम न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं हमारे यहाँ पे हम हम कम्प्लीटलीटली हम नहीं कह सकते कि हम इंडिया इज नॉट अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी एनी मोर वी आर एम्ब्रेसिंग मोर ऑफ कैपिटलिज्म वी आर एम्ब्रेसिंग मोर ऑफ न्यू लिबरलिज्म बट इंटरेस्टिंगली इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द न्यू लिबरल थ्योरी द न्यू लिबरल इकोनॉमिक मॉडल हैज़ बिन रिजेक्टेड बाय द पीपल ऑल टुगेदर एंड वी आर सींग दिस रिजेक्शन हैपनिंग इन साउथ अमेरिका एज वेल राइट सो यानी कि प्रोग्रेसिव शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्टेस्ट आइडियोलॉजी व्हिच बिलीव्स इन सोशल वेलफेयर नाउ यू माइट बी राइट विंग समबडी माइट बी लेफ्ट विंग दैट इज नॉट फॉर अस टू डिबेट बट वी हैव टू अंडरस्टैंड पिंक टाइड पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में पिंक टाइड न्यूज में आप काफी सुनते हैं वो रिसेंटली इस न्यूज इन कॉन्टेक्स्ट टू व्हाट ए बी सी डी सो यू शुड नो दैट पिंक टाइड मतलब टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट राइट मूव टुवर्ड्स द मोर इकोनॉमिक प्रोग्रेसिव पॉलिसीज व्हिच आर सोशलिस्टिकली ओरिएंटेड नाउ अब लूला की हम बात करें सो ही हैज हाईलाइटेड द नीड फॉर पीस डेमोक्रेसी एंड अपॉर्चुनिटी इन ब्राजील और उन्होंने प्रॉमिस करा है कि इन इस, इस टेन्योर के चलते जो भी प्रेजेंट टेन्यर होगा ही विल ट्राई टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी रेशअल इक्वालिटी इन होलिस्टिक डेवलपमेंट स्पेसिफिकली अगर हम एमेजॉन रेन फॉरेस्ट की बात करें नाउ वी कीप ऑन सींग द इमेजेस ऑफ द एमेजॉन रेन फॉरेस्ट बींग बर्न ट्रीज डीफॉरेस्टेशन की बात करें 2019 में आई रिमेंबर डाउन टू तो अर्थ की मैगजीन में फ्रंट कवर में रहा था अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है उनको आग लग रही है द लंग्स ऑफ द अर्थ शालवी से द लंग्स ऑफ द अर्थ बिकॉज फॉरेस्ट दे अब्जॉर्व अलॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिजर्वर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेंस ऑफ कार्बन डाईऑक्साइड बॉल्सोनारो क्या चाह रहे थे बॉल्सोनारो कह रहे थे कि तो क्या हुआ लगाओ जंगलों को आग जंगलों को डिफॉरेस्ट करो डेवलपमेंट तभी हो पाएगा अर्बनाइजेशन तभी हो पाएगी ही मस्ट इन अ वे बींग वेरी प्रमोटिव टूवर्ड्स बर्निंग द एमेजॉन रेन फॉरेस्ट बट दिस मैन लूला डिसवर ही इज वेरी सीरियस अबाउट कंजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द एमेजॉन रेन फॉरेस्ट दैट हैज बिन सो क्लाइमेट चेंज हैज बिन अ बिग एजेंडा इन हिज इलेक्शन मैनिफेस्टो सिग्निफिकेंस की बात करें अब जो प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था ब्राजील में दैट वाज बिटवीन टू पोल्स एक तो, एक तो एक्सट्रीम पोल हो गया यानी कि अगर हम बात करें जेर बोलसोनारो की यानी कि एक्सट्रीम राइट प्लेटफॉर्म के हो गए फार राइट एडोलॉजी के हो गए और एक हम बात करें लूरा डिस की जो कि बिल्कुल ही लेफ्टेस्ट एडोलॉजी की होगी अगर हम बॉल्सनारो की बात करें काफ़ी अल्फा लीडर माने जाते थे डोनाल्ड ट्रंप के छोटे भाई माने जाते थे तो डोनाल्ड ट्रंप बॉल्सनारो बोरिस जॉनसन ये एक ही यू नो ब्रीड के लीडर्स माने जाते हैं अल्फ़ा लीडर्स अब लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात करें बोलसनारो की वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी वो इतनी अल्फ़ा नहीं थी उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो या कोविड के समय जो उन्होंने मिसमैनेजमेंट किया था उसको लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया था और जो इकोनॉमिक सॉरी बेगोपार्ड ने जो एनवायरमेंटल कैटस्ट्रॉफ हुआ अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में उसको भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया था ब्राज़ील के लोगों ने लेकिन बहुत नेक टू नेक टाई था यहां पे हम अगर हम आंकड़े देखें तो अगर हम टर्नआउट की बात करें वोटर टर्नआउट की बात करें जहां पे 50.9 परसेंट वोट लूरा डिसलवा के फेवर में गए हैं वहां पे 49.1 परसेंट जो वोट्स हैं वो जेर बॉल्सोनारो के वोट में गए हैं कुछ ऐसा नेक टू नेक टाई हमने अमेरिका में भी देखा था जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में राइट तो ये नहीं कह सकते कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली वो जीते हैं नेक टू नेक टाई रहा है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज लूला डिसवर इन इंडिया नाव हमारे जो बहुत अच्छे संबंध ब्राजील के साथ बने थे, वो इनके कार्यकाल में जब ये प्रेजिडेंट थे तब बने थे इनफैक्ट आपको एक बात पता हो दैट ये इंडिया विजिट करा था उन्होंने एज अ चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे परेड इन टू थाउजेंड फोर एंड दैन अगेन इन टू थाउजेंड सेवन एंड टू थाउजेंड एट दो हज़ार पाँच में ये जो जी फोर का फोरम है जी फोर का जो एक फोरम है यानी कि जो यू रिफॉर्म्स के लिए एडवोकेट करता है कि कैसे हम यू में और परमानेंट मेंबर्स को एक्सपैंड कर सकें और जी फोर में आपको पता होगा कौन से चार देश आते हैं जर्मनी ब्राज़ील इंडिया जापान तो ये जो जी की जो बातें होनी शुरू थी दो में होनी शुरू हुई थी जब ब्राज़ील के प्रेजिडेंट रूला लूला, लूला डिसवा थे और इनके ही कार्यकाल की बात है जब इनिशियल ईयर अगर हम इनिशियल ईयर्स ऑफ ब्रिक्स की बात करें फॉर एग्जाम्पल हम पहली ब्रिक मीटिंग की बात करें क्योंकि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में नहीं था साउथ अफ्रीका बाद में आया है तो जो पहली मीटिंग थी ब्रिक की यानी कि ब्राजील रशिया इंडिया और चाइना की वो 2009 में हेल्ड करी गई थी और जो उम्मीद थी ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म की भी बात करें कि कैसे हम वाशिंगटन लेड कंसेंसस को वाशिंगटन ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं काउंटर कर सकते हैं सो अगेन डेवलपिंग कोऑपरेशन डेवलपिंग वर्ल्ड कोऑपरेशन की हम बात करें बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील दैट डेट्स बैक सिंस द टाइम्स ऑफ लूला डिसन ही वॉज द प्रेसिडेंट नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे रिफॉर्म्स एडवोकेट करे ग्लोबल फोरम्स पे वेदर द यू एन वर आर द यू एन एस सी वेदर आर द डब्ल्यू टी ओ विच वॉन्टेड विच रेज द वॉइस ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड एज वेल एंड इन हिस क्वेस्ट फॉर अ फेयर अनजस्ट वर्ल्ड लूला हार्ट एम्पोसाइज ऑन द नीट कि कैसे हम सोशल इक्विटी को प्रमोट कर सकते हैं और इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं नॉट रैम्पेंटली और नॉट ब्लाइंडली फॉलोइंग द न्यू लिबरलिज्म मॉडल गिवन बाय द वेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रही है लूला डिसल्वा के कार्यकाल में वो रही है प्रमोटिंग कोऑपरेशन एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली अगर हम अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की बात करें नाउ वी नो अब डेवलपिंग और डेवलप्ड वर्ल्ड के बीच में छत्तीस का आंकड़ा रहता है एज फार एज दी एग्रीकल्चर सब्सिडीज इज कंसर्ट ना ऑफकोर्स अब इस वीडियो में डब्ल्यू ट्यू की सब्सिडीज़ के बारे में डिटेल में नहीं बात करने वाला हूँ वो किसी और वीडियो में बात कर लेंगे लेकिन यहाँ पर ये समझें कि ब्राजील ने बहुत कोऑपरेशन दिखाई विद द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कि कैसे जो प्रोटेक्शनिस्ट और ट्रेड डिस्टॉटिंग प्रैक्टिसज थी डेवलपिंग वर्ल्ड की ईयू की और यूएस की उसको कैसे रोका जा सकता है बिकॉज डेवलप्ड वर्ल्ड का यह कहना है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग प्रैक्टिस फॉलो करते हैं वो बहुत ज्यादा सब्सिडीज अपने किसानों को देते हैं अब अगेंस्ट इस बैकग्राउंड 2001 में जैसे आपको याद है कि दोहा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था दोहा डेवलपमेंट एजेंडा 2001 से हम सुनते आ रहे हैं एट डब्ल्यू डीओ ठीक है अब इसके चलते यहाँ पे काफी ऐसी गाइडलाइंस डाउन करी गई थी कि कैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज्यादा अकोमोडेटिव कर सकते हैं और कैसे उनके कंसर्न्स को कैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज के जो एग्रीकल्चर है या जो फार्मर्स हैं उनके कंसर्न्स को कैसे फोकस रखा जा सकता है मोटे तौर पर हम बात समझे दो से लेकर दो तक और इनफैक्ट आज भी डिबेट चलती आ रही है यूरोप और अमेरिका का यह कहना है कि कैसे हम ज्यादा एक्सेसिबिलिटी चाहते हैं टू द मार्केट्स ऑफ इंडिया टू द मार्केट्स ऑफ ब्राजील टू द मार्केट्स ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो है, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये ज्यादा हाई इंपोर्ट टैरिफ्स ना रखें राइट right. अब हमारा ये कहना है कि भाई देखो अगर ऐसी बात है आप ब्राज़ील ने भी इंडिया को इस बात पे बहुत सपोर्ट किया था दैट देखो फॉर एग्जांपल वीट है अब अगर वीट के प्राइसेस अंतरराष्ट्रीय मार्केट में गिर जाते हैं और यहाँ पे इंडिया में इतना वीट प्रोड्यूस होता है या शुगर केन की खेती ब्राजील में बहुत होती है तो अगर इस तरह की कमोडिटीज़ के प्राइस अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गिरते हैं तो जो इंपोर्टर्स हैं वो तो बल्क में बाहर से इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे उस कमोडिटी को वीट हो राइस हो और यहाँ पर जो किसान इतनी खेती कर रहा है वीट और राइस की तो उसका क्या होगा तो वो उसको तो डिसएडवांटेज है तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक स्पेशल अम्यूनिटी मिलनी चाहिए एक ऐसा सेफ गार्ड मैकेजम मिलना चाहिए जिसके चलते जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्राइसेस ऑफ़ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जब डिक्लाइन करते हैं तो इम्पोर्ट सर्च ना हो उसके चलते हम इम्पोर्ट टैरिफ्स को बढ़ा दें इस बात को ब्राज़ील ने बहुत ज़्यादा एडवोकेट किया था लॉन्ग विद इंडिया सिंस टू थाउजेंड वन टू थाउजेंड थ्री राइट सो यहां पे यानी कि कहने का मतलब यह है कि ब्राज़ील की जो सॉलीडारिटी है विद इंडिया डब्ल्यू ट्यू बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी और अगर हम आज की भी बात करें पैंडमिक्स के चलते अगर हम अगर हम ट्रिप्स वेव ऑफ़ की बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वेव ऑफ़ करने की बात करते हैं ड्रग्स के मामले में पैंडेमिक के मामले में अगर हमने वैक्सीन्स इक्विटेबल करना है वैक्सीन की एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी है उसमें भी ब्राज़ील हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम द पास्ट right in making these efforts india and brazil they had joined our hands uh, they, had joined, they had joined each other's hands that led to what that led to promoting the interest of the developing world prior pehle. तो कन्फ्लिक्ट तो अभी भी है कंफ्फलिक्ट तो अगर हम स्पेशल सेफ गार्ड मेकानिज्म की बात करें तो यहाँ पे मैं एस एस एम के बारे में आपके साथ बात करना चाहता हूँ एक स्पेशल प्रोटेक्शन मैकानिज्म है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जो कि एक बहुत वेल well स्टैब्लिश्ड बात है कि कल को अगर कोई जैसा आपको मैंने बात बताई कि अगर कोई कमोडिटी के प्राइस अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गिर जाते हैं तो डेवलपिंग देश चाहें तो वो ये मैकेनिज्म को लवाये कर सकते हैं इम्पोज कर सकते हैं और इम्पोर्ट टैरस बढ़ा सकते हैं और इसके चलते ब्राज़ील ने बहुत ज़्यादा इंडिया को सपोर्ट किया था और एडवोकेट किया था इस कॉज के लिए वो और बात है कि अभी भी कंफ्लिक्ट डेवलप्ड और डेवलपिंग देशों के बीच में स्पेशल सेफ गार्ड मैकानिज़म के चलते हैं बट मेजर पॉइंट क्या है कि इंक्लूसिव और एक फेयर और जस्टिसबल मल्टीलिटल ट्रेडिंग रजीम को सेट करने के लिए ब्राज़ील और इंडिया काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं ना रिबूटिंग द टाइज वंस अगेन ब्राज़ील एंड इंडिया उन्होंने पहले जैसे डब्ल्यू में किया तो आज के टाइम पे अब डेफिनेटली और भी बहुत सारे फोरम्स हैं अगर हम स्पेशली क्लाइमेट चेंज की बात करें हाउ कैन वी होल्ड द डेवलप्ड वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैस समिजन्स बिकॉज ऑब्वियसली द डेवलप्ड वर्ल्ड हैज बिन इंडस्ट्रलाइज मच बिफोर दैन वी ऑल दैन द डेवलपिंग कंट्रीज तो अब डब्ल्यू है यू है यू नो इस तरह के फोरम्स हैं यहाँ पे ब्राज़ील और इंडिया काफ़ी कोऑपरेट कर सकते हैं एंड सम तो जो मोमेंटम था दोनों देशों के बीच में वो थोड़ा बॉल्सोनारो के चलते वो मोमेंटम काफी रिड्यूस कर गया था और ऐसा लग रहा था कि बॉल्सोनारो के चलते जो कि प्रेसिडेंट थे ब्राज़ील के इससे पहले वो डेवलप्ड कंट्रीज के कॉजेस को उनके कंसर्न को ज्यादा एडवोकेट कर रहे थे राधर दैन प्रमोटिंग द कॉजेज ऑफ दी डेवलपिंग कंट्रीज ना वट इज अ वे फॉरवर्ड तो इट इज होप्ड कि जो लूला डिसलवा का जो सेकेंड प्रेजिडेंशियल स्टेट होगा इसके चलते ब्राजील अपनी आइडेंटिटी एज अ डेवलपिंग कंट्री को आइडेंटिफाई कर पाएगा और जुड़ पाएगा और डेवलपिंग देशों के साथ और साथ के साथ एक बात मैं फिर से रिपीट करूंगा एक मल्टी लेटल ट्रेडिंग सिस्टम को सेटअप कर पाएगा जो कि प्रो डेवलपमेंट है और इसके चलते एक बहुत विन विन सिचुएशन इंडिया और ब्राजील दोनों के लिए होगा तो ये जो लेगेसी है वर्किंग क्लोजली विद ईच अदर एज डेवलपिंग कंट्रीज इस लेगेसी को रिवाइव करना बहुत ज्यादा जरूरी है कंक्लूजन में ये हमारे इंटरेस्ट में है हमारे यू नो दिस इज वेरी मच एन ऑन इंटरेस्ट कि हम इस मौके को सीज करें इस अपॉर्चुनिटी को ग्राप करें और ब्राजील के साथ हाथ जोड़ें और कैसे पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक कोऑपरेशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे इकट्ठे होकर डेवलप्ड कंट्रीज को हम चैलेंज कर सकते हैं बहुत सारे इशूज में ये बहुत ज्यादा जरूरी है और डेफिनेटली इंडिया और ब्राजील की जो पार्टनरशिप है दिस कैन बी अ वेरी बिग गेम चेंजर एट अ टाइम

जैसे आपको मैंने आंकड़े बताए थे कि इंडिया अगर लैटिन अमेरिका की बात करें तो लैटिन अमेरिका में 25 प्रतिशत जो ट्रेड है इंडिया का दैट इज विद ब्राजील सो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर इंडिया इन दिस रीजन हमारी जो इन्वेस्टमेंट है ब्राज़ील में दैट इज मोर देन सिक्स बिलियन डॉलर एंड एज सेट के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट साउथ अमेरिका में पर्टिकुलरली ब्राजील में भी बहुत ज़्यादा है वी हैव आई टी कंपनीज हारिंग सो मेनी पीपल इन द लैटिन अमेरिकन रीजन इंडिया बिकेम द फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ ब्राजील इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एंड इन फैक्ट अगर हम बायोलेटल रेट की बात करें दैट है इंक्रीज ऑफ मोर देन सिक्सटी परसेंट कम्पेयर टू टू थाउजेंड ट्वेंटी यू ऑलसो मस्ट नो की दो हजार उन्नीस में फैक्चुअल बातें आपको पता होनी चाहिए अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको ये बात आप लिख सकते हैं इंडिया ब्राजील का सेवंथ लार्जेस्ट इंपोर्ट सोर्स कंट्री था और कोविड पैंडेमिक के चलते बहुत सारी दवाइयां बहुत सारे ड्रग्स हमने ब्राजील को एक्सपोर्ट करे इनफैक्ट इंडिया से जो एक्सपोर्ट्स ब्राजील को जाते हैं उसमें से 30 प्रतिशत एक्सपोर्ट्स तो मेडिसिन के हैं बिकॉज हम लार्जेस्ट जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर भी हैं ठीक है और ये भी आपको पता हो कि लूला डिसल्वा की प्रेसिडेंसी के चलते इंडिया और ब्राजील के रिलेशन को एक एलिवेशन मिला था एज स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप विच वॉज बैक इन टू और एक्सपोर्ट कमोडिटीज की बात करें तो यहां पे आपके सामने ब्राज़ील का नक्शा है ब्राजील का मैप है जो मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो कि ब्राजील एक्सपोर्ट करता है वो क्या क्या है पता हो आपको कॉफी है शुगर है सोयाबींस uh, है राइस है मेज है कॉटन है और इनफैक्ट ब्राज़ील में मिल्क बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है ब्राज़ील प्रोड्यूस करता है ट्वेंटी बिलियन लीटर्स ऑफ मिल्क पर एनम एंड इट इज द सिक्स और प्रॉब्ल द सेवेंथ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड तो कुछ फैक्चुअल बातें भी आपको पता चलिए सो so दोस्तों आज के फ्यूनर्स की वीडियो में इतना ही रहेगा उम्मीद करता हूं कि आपको ये इंडिया ब्राजील के टाइज के बारे में समझ आया होगा इन कंटेक्सट ऑफ स्पेसिफिकली इन कंटेक्सट ऑफ डब्ल्यू टी ओ लेट सी इन द टाइम्स टू कम कि कैसे इंडिया ब्राजील के टाइस शेप अप करते हैं अंडर लूला डिसल्वा सो दोस्तों आई टेक योर लीव एंड आपको बहुत जल्द मिलूंगा मैं आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें थैंक यू सो मच जय हिंद